रखते नहीं हमारा नहीं, हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं तो उसका वीडियो हम लोग बनाते हैं। वो तुम्हारा नहीं डालूंगा, वो बात अलग है, काट दूंगा। आप लोगों को दिखाता हूँ कपड़ा वपड़ा किधर पे आप लोगों को अच्छा अच्छा मिलेगा। जो उतने चाहिए तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ से राइट लेने के बाद में आप लोगों को इधर के साइड में बुरके उरके जूते उते बहुत सारे देखने मिलेंगे, जो कि मैं आप लोगों को आगे अभी दिखाता हूँ। धूप से खराब हो जाते हैं? नहीं, ये धूप में नहीं खराब है। धूप में खराब वाला माल अलग आता है। अच्छा, ये वाला है क्या? ये वाला धूप में जो खराब पापड़ी निकल जाता ना, ये वो माल है। तो पहली बात समझ को तुम्हारे चाहिए ही नहीं, इसलिए 3 रुपए का भाव बोल रहे। नहीं नहीं, लेना था इसके लिए यार। हमको नहीं वाले तुम्हारा कैमरा देख के, अभी बहुत जन आते हैं भाई कैमरा लेके यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज का ये व्लॉग बहुत ज्यादा मजेदार और बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं मस्जिद बंदर मार्केट, बहुत कुछ खरीदने वाले है। और इधर पे मामू रेडी हो रहे, बहुत कुछ हम लोग खरीदने वाले है, तो चलो चलते है। मामू यहाँ पर बाइक स्टार्ट कर लिए है और कुछ इस तरीके से यहाँ से हम लोग निकलेंगे। और मतलब चलो चलते हैं मस्जिद बंदर में, मिलेंगे आप लोगों से, बहुत कुछ खरीदने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, फाइनली वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। लोग यहाँ पर ये सिग्नल के पास में पहुँचे हैं। यहाँ पर देखो किस तरीके का मैकेनिज्म किया गया है, पूरा ज़बरदस्त यहाँ पर स्टेचू बना हुआ है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और इधर का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और हम लोग थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, तो चलो वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं। हम लोग भिंडी बाज़ार के पास में पहुँचे हैं और यहाँ पर देखो आप लोग ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है। और इधर का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। लोगों को लगा था कि यहाँ पर ट्रैफिक कम रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मिली। तो चलो देखते हैं आगे का क्या पूरा नज़ारा होने वाला है, सब कुछ मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर आगे के साइड में सिग्नल है, इधर का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और सामने के साइड में आप लोगों को इधर पे इतनी बड़ी मस्जिद देखने मिलेगी, जो कि यहाँ पर है, आप लोग देखो। और उसके बाद में इधर का इस तरीके का नज़ारा है और ये साइड में इस तरीके का नज़ारा है। और अभी मैं जा रहा हूँ और आगे का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके का है, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये मस्जिद देखो कितनी आलीशान और कितनी बड़ी मस्जिद है, और इधर पे भी गली है। और उसके बाद में हम लोग अभी धीरे धीरे मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ इस तरीके की छोटी छोटी दुकानें आप लोगों को देखने मिलेगी। और आगे के साइड में बहुत सारी दुकानें हैं, और देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके का नज़ारा है। इतनी बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंगें आप लोगों को देखने मिलेंगी। यहाँ पर बहुत सारे शोरूम आप लोगों को देखने मिलेंगे। उसके बाद में इधर पे बुरखा उरखा की बहुत सारी दुकानें देखने मिलेंगी। उसके बाद में आगे के साइड में जाता हूँ मैं, और भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कम्प्लीट बने रहना वीडियो के साथ में, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसलिए हम लोग पहुँच चुके हैं मार्केट में। इधर पर सामने के साइड में आप लोगों को इतनी बड़ी मस्जिद देखने मिलेंगी, और कुछ इस तरीके का मार्केट है। और अभी हम लोग को यहाँ से प्लास्टिक व्लास्टिक लेना है, तो सबसे पहले चलते हैं। इधर सामने के साइड में बहुत सारी प्लास्टिक की दुकान है, चल के देखते हैं कौन सा मिलता है, कैसा मिलता है। और भाई साहब, गर्दी बहुत ज़्यादा होती है देखो कुछ इस तरीके से। और हम लोगों को यहीं कहीं साइड में गाड़ी को लगाना पड़ेगा, जो कि देखते हैं अभी जहाँ जगह मिलेगी वहाँ लगा देंगे। और यहाँ पर मतलब यार प्लास्टिक व्लास्टिक की बहुत सारी दुकानें हैं, तो देखते हैं कौन सा कहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा सस्ते में मिलेगा, वहाँ पर जाकर हम लोग लेंगे। देखते हैं यहीं पर। मामू इधर पे भी प्लास्टिक की दुकान थी ना, देखो। चलो इधर देखते हैं, इधर पे यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी प्लास्टिक। पैसा दिए यह प्लास्टिक एक 15x40 चाहिए और एक 15x30। ठीक है, मिल जाएगा, मिल जाएगा। चाहिए पतला चाहिए? मम्मी कैसा बोले, ये वाला कैसा है? है वो YouTube पे डालूंगा, वो टेंशन मत लो कुछ भी। वो मेरा चैनल है YouTube पे, तो इसके लिए मैं बनाता हूँ। हम लोग देते नहीं, YouTube पे रखते नहीं, आप बंद करो। नहीं, हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं तो उसका वीडियो हम लोग बनाते हैं। वो तुम्हारा नहीं डालूंगा, वो बात अलग है, काट दूंगा, लेकिन हम लोग बनाते हैं अपना। हमारा नहीं डालेगा। हाँ ऐसे प्लास्टिक में चाहिए, प्लास्टिक डाल दो अंदर, ऐसे में चाहिए प्लास्टिक, मिल जाएगा। 3 रुपये स्क्वायर फीट आएगा, 3 रुपये स्क्वायर फीट आएगा, जो साइज चाहिए वो साइज। कितना टोटल कितना होएगा 15x40 का? 15x40 1800 होएगा। हाँ बता दो। और एक 15x30 का? 1440 होएगा, कम तो होएगा ना भाव? नहीं क्या तुम्हारे मैं 4 रुपये का भाव करता, मैं तुम्हारे जल्दी जावे करके भाव देखा, समझे मेरे भाई? चलेगा ठीक है, बता दो, बता देखता हूँ मैं। दिखा तो कपड़ा, दिखा तो नहीं क्या, दिखा दे। ऐसे में चाहिए? हाँ हाँ, ऐसे ही देखो।
नहीं ये 15x40 नहीं, वो बता रहे वो दिखा रहे हाँ चलेगा ठीक है ये ठीक है ऐसा चलेगा। हाँ बताओ ना ये 15x40 है 15x30 है ये हाँ 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 ऐसे ही चाहिए रस्सी सब लगे लाते आ जाएगा ये 15x30 और 15x40 एक 15x40 हाँ यूट्यूब पे डालो डालो हमारा ही फोटो आना चाहिए। ये भाई है इनकी ये दुकान है पूरी और प्लास्टिक का पूरा कारोबार है इनका। तो अगर आप लोग कभी इधर आएंगे तो इनका मैसूरी प्लाई बोर्ड है इसके सामने ही इनकी दुकान है और आके यहाँ पर अच्छे रेट में आप लोगों को मिलेगा प्लास्टिक प्लास्टिक जो भी चाहिए सब मिलेगा यहाँ पे। दुकान तुम्हारी है? नहीं हमारी ये सही है प्लाई का काम हमारा। प्लाई का भी कोई भी सामान चाहिए तो यहाँ मिल जाएगा। फिर भी कम करो ना कुछ हमारे लिए तो करो। तुम हम तो पहली बात समझो तुम्हारे चाहिए ही नहीं इसके लिए 3 रुपए का भाव बोल रहे। नहीं नहीं लेना था इसके लिए यार हमको नहीं मालूम तुम्हारा कैमरा देख के अभी बहुत जन आते भाई कैमरा लेके यार ऐसा ये पूछते वो पूछते इसके लिए तुम्हारे 3 रुपए का भाव बता दिए जैसा 4 रुपये 4.5 रुपये का रेट बोलते हम 3.5 वही लास्ट में 3 में देते हैं लास्ट भाव वही है 3 का ही भाव। अब मेरे पास शोरूम में भी जाएंगे तो वही भाव मिलेगा। हाँ वो तो बात बराबर है तुम्हारी 3 रुपये का ही भाव मिलेगा। वो आता है 3.25 रुपये घर में 3-4 ना हमको मिलता है और कुछ क्योंकि हम लोग को हर साल लगता है ना इसके लिए वो धूप से धूप से खराब हो जाते हैं। नहीं नहीं ये धूप में नहीं खराब है। हाँ। में खराब वाला माला लगा था। अच्छा ये वाला है क्या? ये वाला धूप में जो खराब पापड़ी निकल जाता ना ऊपर का ये वो माल है। इसकी पापड़ी तो नहीं निकलेगी? नहीं नहीं इसकी पापड़ी नहीं निकलेगी तुम्हारे फ्रेश एकदम चीज अच्छी रहेगी। एक साल भाई कोई भी चलता तुम इम्पोर्टेड भी लेगा तो एक साल ही चलेगा। अभी हम लोग भी ऐसे ही लेके गए थे तो एक साल में खराब हो गया वो माल तो 5-6 रुपये वाला भी माल है हमारे पास और वो भी उतना ही चलता है। ये 60 रुपये मीटर बिकता है और कैसा कितना रहता है? 12 फुट का पन्ना है उसमें जाड़े वाला भी आता है। जाड़े वाला भी आता है 120 रुपये मीटर आता है। 120 रुपये मीटर इससे जाड़े वाला जो आता है और ये 60 रुपये मीटर है ये उससे पतला है। ठीक है आप लोगों को ऐसा भी चाहिए तो भाई साहब यहाँ पर आओ आप लोगों को मिलेगा। कोई भी तरीके की प्लास्टिक चाहिए तो यहाँ पर आओ और लेके जाओ और सस्ते रेट में भी आप लोगों को मिलेगा। प्लाई उलाई का भी कोई भी सामान चाहिए तो इनकी दुकान ये सामने ही है और यहाँ से अगर आप लोग आएंगे तो ये ब्रिज के पास से लेफ्ट मार के आ सकते हैं और यहाँ पर देखो इस इधर के साइड में इस तरीके का रास्ता है और इधर पर ये बिल्डिंग है और सामने इनकी ये दुकान है उसके नीचे इनका ये प्लास्टिक का कारोबार है। आप लोग आए और यहाँ से प्लास्टिक लेके जाए जो कि सस्ते रेट में आप लोगों को मिलेगा। MD अशफाक ब्लॉग MD अशफाक ब्लॉग उस पे आएगा कल आएगी ना हाँ कल चलो। हाँ 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 क्या नाम आपका? अशफाक भाई। हाँ चल आओ कल चलो। हाँ जरूर आएंगे। तो हम लोगों को जो लेना था भाई प्लास्टिक हम लोग ले लिए हैं उसके बाद में अभी यहाँ से जा रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कपड़ा उपड़ा किधर पे आप लोगों को अच्छा अच्छा मिलेगा। तो यहाँ से आप लोगों को सीधा ये जो सामने वाला ब्रिज दिख रहा है ना इसके नीचे से आप लोग सीधा सीधा जाएंगे ना वहाँ पर नाखुदा मोहल्ला है जहाँ पर लेडीज़ कपड़े बहुत ज़्यादा मिलेंगे और जेंट्स कपड़े चाहिए भाई तो यहाँ पर आप लोगों को जो रास्ते से हम लोग प्लास्टिक लिए वहाँ पर आप लोग जाएंगे तो जेंट्स कपड़े बहुत सारे मिलेंगे। और जूते उते चाहिए तो मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ से राइट लेने के बाद में आप लोगों को इधर के साइड में बुरके उरके जूते उते बहुत सारे देखने मिलेंगे जो कि मैं आप लोगों को आगे अभी दिखाता हूँ। और इधर के साइड में भी देखो यहाँ पर जेंट्स कपड़े बच्चों के कपड़े बहुत सारे देखने मिलेंगे और हम लोग इधर से जाएंगे मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ इधर के साइड में क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों को दुल्हन उल्हन का कोई भी कपड़ा चाहिए तो इधर के साइड में मिलेगा। और ये बाजू में भी बहुत सारे शोरूम आप लोगों को देखने मिलेंगे जहाँ पर आप लोगों को अलग अलग तरीके के बहुत सारे कपड़े देखने मिलेंगे। यहाँ पर देखो आप लोग कुछ इस तरीके से है और ये सब पूरी देखो यहाँ पर मार्केट है ये नाखुदा मोहल्ला नहीं है ये मस्जिद बंदर है और आगे के साइड में भिंडी बाजार है पूरा और इधर के साइड में भी बहुत सारे चद्दर वद्दर कपड़े उपड़े बुरके उरके यहाँ पर देखो बहुत सारे आप लोगों को देखने मिलेंगे जो कि भाई साहब यहाँ पर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा रेट में कपड़े मिलेंगे। और आप लोगों को प्लास्टिक चाहिए तो जहाँ पर मैं प्लास्टिक जहाँ से लिया आप लोग वहाँ पर आए बहुत ज़्यादा सस्ते में आप लोग को वहाँ पर प्लास्टिक देखने मिलेगी। और इधर के साइड में देखो अभी सिग्नल चालू है और यहाँ पर देखो जूते उते देखो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें यहाँ पर जूते की लगी है जो बच्चों उच्चों के लिए भी चाहिए तो मिल जाएगा। और उसके बाद में पर्दे वर्दे भी यहाँ पर देखो कितने सारे आप लोगों को देखने मिलेंगे। और इधर के साइड में भी देखो यहाँ पर देखो ये सबसे बड़ी मस्जिद है यहाँ से आगे जाएंगे आप लोग तो बहुत सारे आप लोग को दुकान देखने मिलेगी क्योंकि यार बहुत बड़ी मार्केट है मस्जिद बंदर। आप लोग यहाँ पर आए तो आप लोग को बहुत सारा और बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि मस्जिद बंदर स्टेशन का नाम है तो भाई स्टेशन का नाम मस्जिद बंदर है और वहीं के आसपास में जो जैसे कि अभी कोई भी एरिया में आप रहते हैं
तो वहाँ पर अगर कोई स्टेशन है तो उस एरिए का नाम वो स्टेशन से ही जाना जाता है। इसके लिए मैं मस्जिद बंदर बोलता हूँ, जब सबसे ज़्यादा फेमस है नाम, इसके लिए आप लोग जान समझ जाते हैं तुरंत ही कि मस्जिद बंदर बोले तो किधर आएगा। तो आप लोग स्टेशन के पास में आएंगे तो ये सारी मार्केट आप लोगों को बहुत आसानी से देखने मिल जाएंगी। आप लोगों को ना रिक्शा करने की ज़रूरत है ना कुछ भी, ना पैदल आप लोग आएंगे, 5 से 10 मिनट में यहाँ सब आप लोग पहुँच जाएंगे जो कि मार्केट यहाँ पर। और फुटपाथ पर भी देखो आप लोग कितनी सारी मार्केट यहाँ पर लगती है, जो कि बहुत सारे यहाँ पर चप्पल उप्पल कपड़े उपड़े आप लोगों को देखने मिलेंगे। फुटपाथ पे आप लोगों को सस्ते सस्ते में बहुत सारे कपड़े देखने मिलेंगे। तो चलो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।